मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टेक प्लस। बिफोर स्टार्टिंग अवर वर्क, नाउ लेट्स स्टार्ट प्लस। आई एम निशा ठाकुर, मीट टू वी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कॉलेजेस फ्रॉम COVID-19। आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and truly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your Hindi Sudhi book, Vyakaran Sarovar book, and chapter number 3. मात्राएं और शब्द रचना। क्या होता है मात्राएं और शब्द रचना? पढ़ते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जो व्यंजन के साथ चिन्ह लगते हैं, हमने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं बच्चे पहले, ठीक है। जो अ की मात्रा से स्टार्ट होते हैं वो स्वर होते हैं, और जो क से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन। तो हम व्यंजन के साथ लगने वाले चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जो व्यंजन हैं उनके साथ जो चिन्ह लगते हैं उनको हम मात्रा कहते हैं, कहलाते हैं। स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा का रूप ले लेते हैं। पहले ये है व्यंजनों के साथ लगने वाले, जो लगने वाले हैं वो मात्रा कहलाते हैं, पर जब स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, मतलब कि जब वो जुड़ जाते हैं, मतलब कि एक शब्द बन जाता है ना जुड़कर, तो वो क्या बनते हैं? मात्रा का एक रूप ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे अब आपने पता है प्रत्येक स्वर के लिए उनकी एक निश्चित मात्रा है, ठीक है। जैसे कोई हम शब्द लिखते हैं उसकी एक निश्चित मात्रा है, अगर हम उससे ज़्यादा उस मात्रा का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि अब इन्होंने एग्जांपल दी आ की मात्रा, जब आ की मात्रा लगेंगी तो छाता, अब छाता जब लिखते हैं तो आ की साउंड आ रही है ना, छाता, तो ये आ की मात्रा हुई। ऐसे ही अब छोटी ई की मात्रा वो है, जब हम बोलेंगे तो देखो चिड़िया, जब चिड़िया बोलते हैं तो छोटी ई का साउंड आता है मुंह से, ठीक है, आवाज़ निकलती है ना, वैसे ध्वनि जो है वो चिड़िया की कैसे निकल रही है, चिलिया, ठीक है, ई की मात्रा छोड़। ऐसे आगे है सीटी, बड़ी ई की मात्रा पे आई सीटी, अब देखो जो ध्वनि है वो कितनी खींची जा रही है, सीटी, ठीक है। अब जब चिड़िया बोला देखो एकदम क्विट हो गई ना, मैं चिड़िया चिड़िया मतलब बोल के सीटी, अब ई की साउंड देखो कैसे आ रही है ना। ऐसे ऊ, गुलाब, ठीक है, गुलाब, अब ऊ की मात्रा आ रही है तो गुलाब, फिर छोटे ऊ की मात्रा आ रही, ठीक है। आगे है बड़े ऊ की मात्रा है चूहा, अब देखो चूहा साउंड आगे तक जा रहा है ना, थोड़ा खींचा जा रहा है ना, तो आएगा चूहा, तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। ऐसे है आगे ऋषि, जो कि हम वृक्ष र की मात्रा में यूज़ करते हैं जिसको साउंड, वृक्ष, जब हम वृक्ष बोलते हैं तो देखो कैसे आ रहा है वृक्ष, ठीक है, र बोला जा रहा है ना मिस्तान, तो वृक्ष। ऐसे ए की मात्रा केला, ठीक है, अब छोटे साउंड में आ रहा है तो केला, ठीक है। आगे ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, तो मैं ना, तो इसमें डबल ओ की मात्रा लगेगी, मैं ना, ऐसे छोटे ओ की मात्रा लगेगी तो मोर, ठीक है, मोर। कोई भी शब्द लिखते हो जैसे चोर, ठीक है, वो सारा कुछ हो गया ना ओ की, सिंगल ओ की मात्रा में। आगे है बड़े ओ की मात्रा औजार, ठीक है, बड़े ओ की मात्रा में औजार। ऐसे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अभी हमने आ से मात्रा पढ़ी है, अ से तो नहीं पढ़ी ना, देखो आ से मात्रा स्टार्ट हुई है, अ से नहीं हुई ना, तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है, अ स्वर है ना उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। इनके अतिरिक्त तीन अयोगवह की मात्रा भी होती है, तीन अयोगवह मात्रा है अनुस्वर, अंग, विसर्ग, अह, अनुनासक, अपर चंद्रबिंदु, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, ये अयोगवह मात्राएं हैं, जैसे कि अंगूर, फिर आता है चांद और स्नेह स्नेह, ठीक है। ऐसे ही आगे है
ध्यान की बात। देखो अब र में उ और बड़े उ की मात्रा दाईं तरफ बीच में लगती है। अब देखो रू र प्लस उ, ठीक है, जब देखो इसकी दाईं तरफ लिखी गई है ना उ की मात्रा जो है, ठीक है, तो रुचि भी लिखी है तो भी देखो, और रूपी रूप और रूठना भी लिखा तो भी उ की मात्रा दाईं तरफ है। तो जब इसकी मात्रा लगती है र उ की मात्रा, तो वो दाईं तरफ बीच में लगती है। देखो दाईं तरफ बीच में लगी हुई है, ठीक है। आगे ढ और ढ, तो अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है, ये अतिरिक्त व्यंजन है ढ और ढ, ठीक है, पर इनका प्रयोग शब्द के परम में नहीं होता है, जैसे सड़क, पढ़ना आदि, ठीक है। अब ढ और ढ को हम कभी पहले यूज नहीं करते, ठीक है, इसका जब प्रयोग होता है वो होता है सड़क, पढ़ना, इसके हमेशा जब प्रयोग करते हैं ये परम में नहीं होता, ये हमेशा बीच में होता है, ठीक है। तो हंसने हमने शब्द को सड़क और पढ़ना आदि, ये देखो बीच में प्रयोग किया है, ठीक है। आगे है कविता पढ़िए और सब मात्राएं क्रम से लिखिए, ठीक है। अब हमने सारी मात्राएं पढ़ी है, आ की, ई की, ऊ की, छोटे ऊ की, जो भी सारी मात्रा, ए की, ठीक है, वो सारी मात्राएं इस जो कविता है इसमें है। जैसे कि लाला जा, छाता ला, बादल आया, बारिश लाल, चमचम कर पानी बरसा, चुनिया आ, मुनिया आ, घूम घूम कर नाच दिखा, भागा मेरा चरपर तृण, ली पेड़ के नीचे शरण, उस पर बैठी एक मैना, बोली भैया चुप ही रहना, कोआ शोर मचाएगा, बंदर जाग जाएगा, शेष ने आएगा, थप्पड़ पांच लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारी मात्राएं प्रयोग की गई, आ की, ई की, छोटे ओ की, बड़ी, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी, ठीक है। इस कविता का यही मतलब है, वो उनका मात्राएं क्रम कराना है, ठीक है, बताना है आपको। आगे देखो मात्राएं हाथी, ठीक है, हाथी को देखो ऐसे जब वर्ण विशेष में लिखा जाता है वो देखो, अब इसमें थी की मात्रा है वो ई की मात्रा है, ठीक है। जैसे मछली है, मछली में भी ई की बड़ी की मात्रा है, ऐसे कमल है इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये सिंपल वर्ड है, शब्द जैसे कमल, कमल, ठीक है। आगे है शब्द, शब्द क्या होते हैं, शब्द वर्ण का वह समूह होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, ठीक है, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जैसे कि अब देखो इन सभी शब्दों का कोई अर्थ है, जैसे कि अब बोल रहे हैं गुलाब लिखा है इन्होंने, बर्तन, तोता, जब हम ये शब्द बोलते हैं हमारे मुंह से जब भी कोई शब्द, ये गुलाब हो गया, बर्तन हो गया, तोता हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है, हम कहते हैं दरवाजा हो गया, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ आ जाती है कि दरवाजा इसको कहते हैं, ब्लैक बोर्ड कहते हैं, चौक इसको कहते हैं, हमारे दिमाग में वो शब्द आ जाता है, देखो है ना, हमारे दिमाग में भी वो आ जाती है, उसकी पिक्चर बन के आ जाती है। पर कुछ शब्द जैसे कि हम कह देते हैं कि मैं कह दूँ टक टक, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, रणक, रणक टणक, ये रणक टणक जो हुआ ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। जब हम इसको बोलते हैं तो इससे हमारे दिमाग में कोई इसका अर्थ तो नहीं आता भी, हाँ इसका कोई अर्थ होगा, कोई चीज़ होगी। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ बनता है कि जैसे जो हम सोचने में भी हमारे दिमाग में आई जाती है वो पिक्चर, उसको कहते हैं शब्द। जैसे घड़ा हुआ, अमरूद हुआ, अलमारी, ये देखो सारे शब्द हमारे माइंड में भी आते हैं ना, ये थर्मस, पेरा, किसान, फुटबॉल, उपवन, बालक, वही चीज़ है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है व्यंजनों के साथ लगने वाले चिन्ह क्या होते हैं, मात्रा कहलाते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ है, जो व्यंजनों के साथ लगते हैं चिन्ह उनको मात्रा कहते हैं। और अ की मात्रा, आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, अब चैप्टर पढ़ के हटे हैं, उसी में अ की कोई मात्रा नहीं है, आ बड़े आ की मात्रा है, पर सिंगल अ की मात्रा कोई नहीं है। अंक, अह तथा अ, तो ये चंद्रबिंदु अयोग व है, ये तीनों क्या है, अयोग व, ठीक है। आगे है ढ और ढ से कोई शब्द परम नहीं होता, ठीक है, ये सभी को पता, आपको ढ और ढ दोनों में जो शब्द है स्टार्टिंग में नहीं होता, वो बीच में लिए जाते हैं। वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है, जो वर्ण का, ठीक है, जैसे हम वर्ण विशेष करते थे उसको जो हम जमा पर निशान लगाते हैं, तो जो उसका समूह है उसको क्या कहते हैं, शब्द कहलाता है। जैसे कि हमने दे देखा, देखो अब कमल लिखा है, ये वर्ण है, ठीक है, वर्ण है, वर्ण का जो समूह है ये क्या कहलाता है, जो बाद में क्या बन गया, एक शब्द बन जाता है, ठीक है बच्चे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।